देखो जरा क्या करना है अब। आउटलाइन जो है वो हल्की सी बनाओ, ठीक है, एकदम बहुत डार्क नहीं करनी। जो ये आउटलाइन इसकी थी ये वाली, ठीक है, ये 6B से शेड करना है, ये मैं भर नहीं रहा हूँ, 6B से शेड करना है, ठीक है। ये धीरे धीरे कर्व करते हुए आ जाएगा, ठीक है। ये इतना आउटलाइन दिख रहा है, ये ठीक है, तो ये 6B से हुआ। अब ये जो बन रहा है ना, ये बाद में बना लेंगे, ठीक है। अभी मेन है पहले उस एरिया को शेड करना, तो सबसे ज्यादा ये वाला छोड़ देना क्योंकि ये पूरे हाईलाइट ही हाईलाइट है। मेन पार्ट ये हो जाता है, और कान वाले पार्ट और चेहरे वाले पार्ट में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए 6B। आराम आराम से करो, ये जैसे हाईलाइट दिख रहा ना यहाँ पे, ये हाईलाइट भी छोड़ना है। ये हल्का हल्का जो डार्क दिख रहा ईयर्स के आउटलाइन पे, ईयर्स की आउटलाइन देना है, ठीक है, ईयर्स की आउटलाइन पे देना है। ये मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है, 6B से कर रहा हूँ। उसके बाद 8B आएगी, क्योंकि अपन को ऐसे 4B 6B ज्यादा लेयर डालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट डार्क लेयर यूज करो, ठीक है। और इसमें इतने ज्यादा वो नहीं दे रहे, जो अपन ने इस तरीके से स्ट्रिप्स बना रखी है ना, इन्हीं में हाईलाइट देंगे अभी, ठीक है। तो आराम आराम से जितना मैं पार्ट कर रहा हूँ उतना शेड करते जाओ और देखते जाओ मुझे, ठीक है। तो मैं करता हूँ शेड और तुम लोग देखते जाओ, साथ साथ करते जाओ तो भी चलेगा। तुम्हें पता ही है जो हाईलाइट पोर्शन छूटे ना, ये वाले जा रहे हैं, इन पे नहीं करना। कैसे करना है देख लो, एक पोर्शन करके बता दे रहा, ऊपर वाला पोर्शन भी ऐसे ही रहेगा। मैं हॉरिजॉन्टली कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये मेनली एंड यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ये अब थोड़ा टेढ़े में जा रहा है यहाँ से, ठीक है, हल्का सा टेढ़े में जा रहा है। ये बनाया मैंने, तुम्हें बनाना नहीं है लेकिन तुम्हें हिसाब रखना है कि यहाँ तक रुक जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये भी टेढ़े में जा रहा है, अपन का यहाँ पे है ये हाईलाइट, ये हल्की हल्की हाईलाइट और फिर से यहाँ आ रही है, ठीक है। फिर ये जो ऊपर की तरफ हाईलाइट है, देखो बॉर्डर जो है वो पूरी डार्क है इस तरीके सर, से। आपकी स्क्रीन बहुत ब्लर आ रही है। देखो बॉर्डर जो है, बॉर्डर बॉर्डर रखना है अभी, ठीक है, इस तरीके से जो बॉर्डर है उसमें तो पूरा रहना है, ओके। इसे कॉटन से ब्लेंड करेंगे ताकि एकदम डार्क ब्लेंड हो जाए, अच्छा खासा अपना स्मूथ हो जाए, ठीक है। मेनली अपना काम क्या है, स्मूथ का। अब ये देखो यहाँ पे उठा हुआ है, वो सेम चीज यहाँ उठी हुई है, लेकिन बीच में जो हल्के हल्के दिख रहे हैं ना, वो भी बना लो ऐसे। ये वाला पूरा पोर्शन ऐसे ये शेड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ यहाँ हल्का हल्का है, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन आता है, ओके, ये तो पूरे ही डार्क हो जाएगा, एक लाइन सी जा रही ना, ये इतना पोर्शन देख सकते हो पूरे ही डार्क हो जाएगा। दोबारा 8B से भी करना पड़ेगा, ठीक है, आराम आराम से। और फिर देखो बॉर्डर एक बार ध्यान रखना, चेहरा 4B तक रहेगा, आउटलाइन जो अपनी 6B दिखनी चाहिए, तो डिफरेंस दिखना चाहिए, इसको थोड़ा डार्क ही रखो। ऐसे आउटलाइन कर रहे हो ये अब क्या है, ये जो हाईलाइट वाला पोर्शन आ जाता है ना साड़ी वाले पे, तो ये वो है, वरना बाकी ऊपर से नीचे तो डार्क जा रहे हैं। ये दिखना ना, डार्क टू लाइट आ रहा है, ये डार्क टू लाइट ही दिख रहा है अपन इस तरीके से, यहाँ यहाँ डार्क टू लाइट दिख रहा है, ओके। और फिर इसके बाद 2B पेंसिल लो, देखो ये जो पोर्शन है ये बहुत ज्यादा से डार्क नहीं है, ठीक है, वही 2B किया था। 2B के बाद हल्का हल्का इसमें जितना पोर्शन ही दिख रहा है, बीच में से स्ट्रोक्स लाइन सी दिख रही है कि ये 4B, फिर ये बीच में गैप क्यों था, फिर यहाँ पे 4B, ठीक है। ये करने के बाद इसे ब्लेंड करना है, तो इतना करो पहले फिर ब्लेंड बताता हूँ। चलो ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग भी देखो, ब्लेंडिंग के लिए इस तरीके से बनाओ, छोटा पार्ट बनाओ, ओके, और फिर धीरे धीरे ऐसे सर्कुलर चलाओ, रफ शेडिंग करिए ना ये, और अच्छे प्रेशर के साथ चलाओ, गोल गोल घुमाओ, ओके। बीच में जो हाईलाइट वाला पोर्शन है उसे ऐसे नहीं कि कम्प्लीटली छोड़ दो, उसके बॉर्डर्स पे लाओ, क्योंकि तो हल्का सा बीच में छूट रहा है ना, इतनी काफी है अपने लिए, क्योंकि अभी 8B करेंगे, 8B भी आ जाएगा इसमें, इतना पोर्शन छोड़ना जरूरी है। धीरे इस तरीके से करो, हाँ ठीक है,
आराम से करते जाओ, ये वाला पोर्शन करो, ये वाला जो जो है उसको सर्कुलर चला लो बस। सर्कुलर चलाने से क्या होता है, आसपास आराम से फैलता है। ये कर, धीरे धीरे इस पे चलाता जाओ, इस पे धीरे धीरे चलाते जाओ और ये स्मूथ हो जाता है, ठीक है। और बाकी का ये जो पोर्शन है जो थोड़ा यहाँ बॉर्डर, उसमें से कर्व करके ब्रश चलाते जाओ, ठीक है। तो ये जो बॉर्डर्स जो रफ से दिख रहा है वो ब्लेंड से हो जाएंगे अभी, क्योंकि 8B करना, 8B से अंदर की तरफ भी आएगा ग्रेफाइट। यहाँ यहाँ ये वाला जो पोर्शन है इसे जरूर करना ब्रश से, उसे कॉटन से नहीं करना, क्योंकि फिर क्या ये जो अपन ने कल बनाया था उसमें वो गंदा करेगा। इस तरीके से धीरे धीरे करो, ठीक है। मेन पार्ट इसमें सेंटर में करना है, ऐसा नहीं कि पूरे में ब्लेंड कर दिए ये वाला, ठीक है। इतना करो, 8B पेंसिल भी मेजॉरिटी पोर्शन 8B का देख सकते हो, जैसे ये है, ठीक है, ये है, ये ऊपर वाला तो पूरा 8B है, और ये बॉर्डर बॉर्डर ये हल्की हल्की शेड होगी, ये 8B की तरह होगा ये वाला पोर्शन, और ये हल्का हल्का होगा, ठीक है। तो 8B इधर डार्क टू लाइट करते ला रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। 6B की बॉर्डर तक ला रहा हूँ, लेकिन क्या करना है, 6 और अंदर तक लाना है, लेकिन अंदर जो ला रहे हो ना उसे लाइट रखना है, उसे लाइट रखना है इस तरीके से, ठीक है। ये हिस्सा लाइट रहेगा, देख सकते हो ये वाला हिस्सा लाइट है, इसके ऊपर वाला पूरा डार्क रहेगा, ये जो हिस्सा है ये पूरा डार्क रहेगा, बस इतने हिस्से को छोड़ के, ठीक है। यहाँ पे जब लाओगे तो वो डार्क टू लाइट करते हुए लाना, एकदम मत छोड़ देना, क्योंकि फिर वो ब्लेंड करते हुए प्रॉब्लम हो गया। हाइलाइट्स वाला पोर्शन अपन खुद करते हैं, तो ये जो स्ट्रिप दिख रही ना इसमें ओवल शेप इरेज करो, ठीक है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ मुझे देखते जाओ, ये है, इसमें मोनो जीरो इरेजर ले लो, ठीक है। मोनो जीरो इरेजर से इसे ओवल शेप इरेज करते जाओ थोड़ा, ठीक है, करते जाओ इस तरीके से। वाला पोर्शन अपन खुद करते हैं, तो ये जो स्ट्रिप दिख रही ना इसमें ओवल शेप इरेज करो, ठीक है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ मुझे देखते जाओ, ये है, इसमें मोनो जीरो इरेजर ले लो, ठीक है। मोनो जीरो इरेजर से ओवल शेप इरेज करते जाओ, ठीक है, करते जाओ इस तरीके से। इस तरीके से हुआ, इस तरीके से अपन और यहाँ पे बना देंगे। यहाँ का थोड़ा अलग है, यहाँ पे ध्यान देना, मैं यहाँ पे इसी तरीके से बना दूंगा।
और एकदम ऐसे नहीं कि खिसके पूरा व्हाइट कर दो, हल्का सा करो, क्योंकि व्हाइट जेल पेन से अपन ऐसे बीच में डॉट्स भी रखेंगे ताकि वो थोड़ा उभरता हुआ दिखे। ठीक है, इस तरीके से बन गया ये। और जरा यहाँ देखो ये ऊपर की डिजाइन, तो ऊपर की डिजाइन कैसी रहेगी, जो आउटलाइन दिख रही है इसे इरेज किया अपन ने, ठीक है। इसके अंदर एक और आउटलाइन बनाई अपन ने, इरेज करी, और इसके अंदर फिर ऐसे थोड़े सर्कल्स टाइप, ठीक है, फूल अपन को बनाने हैं, जैसे ओवल शेप टाइप कर। और अब क्या करना है, इस तरीके से जो अंदर वाला पार्ट है उसे मैकेनिकल पेंसिल की मदद से जो जो इरेज नहीं किया है अपन ने, उसे मैकेनिकल पेंसिल से शेड कर लो, ठीक है। इसकी जो आउटलाइन है ये मैकेनिकल पेंसिल से शेड कर लो। ये जो आउटलाइन यहाँ दिया, अभी बाहर का जो है ना, ये भी जो निकल रहा है एक्स्ट्रा, वो इरेज करना है, ठीक है। और क्या कहते हैं, अब देखो अब व्हाइट जेल पेन लो, देखना ध्यान यहाँ ध्यान दो, ये जो कान वाला जो पीस था, हेयर पीस, ठीक है, इसे अपन ने से हाईलाइट दे दिया। अब व्हाइट जेल पेन का काम है, जरा यहाँ देखो जो कान के नीचे पीस आ रहा ना, उससे ये कैसे लाइन्स भी आ रही है, ये वो आ गया। अब अपन जो एक क्या करना है, सब में ऐसे डॉट्स ही रखनी है बीच में, ठीक है, इस तरीके से देखो, ये दिख रही जो शाइन आती जा रही है, ये सब में करना है, करो साथ साथ करते जाओ। ये वाले में क्या है, पूरे में नहीं भरना, ये जो अंदर में एक हल्की सी ऐसे लाइन सी जा रही है, एक हल्की सी लाइन यहाँ जा रही है, ये हल्की सी अंदर आउटलाइन एक ये जा रही है, एक अंदर से लाइन ये जा रही है, और इनके बीच में भी ऐसी डॉट्स रखनी है। तो इस तरीके से साड़ी का सिंपल सा टेक्सचर तैयार हो जाता है। इतना कर लो,